हम एक अन्य एग्जाम्पल पर देखते हैं, गौर फरमाते हैं। ए बाय शूटिंग, एग्जाम्पल सी, वेयर एक्ट में यह है, ए बाय शूटिंग एट अ फॉर्म विथ इंटेंट टू किल एंड स्टील इट किल्स बी। ए एक सामने वाले व्यक्ति बी के मुर्गे को चोरी करने से और मारने के मुर्गे को की बी को मार देता है। हु इज बिहाइंड ए बुश, जो एक बी एक झाड़ी के पीछे है। ए नॉट नोइंग दैट ही वॉज देयर, ए इस बारे में नहीं जानता था कि बी वहां पर है। हियर ऑल्दो ए वॉज डूइंग ए एन अनलॉफुल एक्ट, वह एक एक अनलॉफुल एक्ट कर रहा है, गैर कानूनी गतिविधि। ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, हालांकि ए यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड का अपराधी नहीं है। एज ही डिड नॉट इंटेंड टू किल बी, क्योंकि ऐसा इसीलिए है क्योंकि ए ने बी को मारने के इरादे से वहाँ पर ऐसा कार्य नहीं किया था, और काउज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट दैट ही न्यू वॉज लाइकली टू काउज डेथ, और ऐसा ना इसके पास जानकारी नहीं थी एक के पास कि ऐसे कार्य से ऐसी गतिविधि से वह उसको शूटिंग से उसके बी की मृत्यु का कारण हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर एक कल्पित होमिसाइड का दोषी नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन में ऐसे अच्छी तरह समझेंगे कल्पित होमिसाइड को। एक्सप्लेनेशन वन, बेयर एक्ट में, ए पर्सन हु काउजेज बॉडीली इंजुरी टू अनदर हु इज लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर डिजीज और बॉडीली इन्फर्मिटी एंड देयर बाय एक्सलेट्स द डेथ ऑफ दैट अदर शैल बी डीम्ड टू हैव काउजेज हिज डेथ। अगर एक पर्सन, एक व्यक्ति सामने वाले के विरुद्ध ऐसा शारीरिक क्षति पहुंचाता है टू अनदर हु इज लेबरिंग अंडर ए डिसऑर्डर, जो किसी शारीरिक डिसऑर्डर से गुजर रहा है, किसी बीमारी से, डिजीज और हियर और बॉडली इन्फर्मिटी या शारीरिक अक्षमता से, एंड देयर बाय एक्सीलरेट्स द डेथ ऑफ दैट अदर, और इस प्रकार से सामने वाले की मृत्यु तुरंत कायम हो जाती है, जो ऑर्डिनरी केस में नहीं होनी चाहिए, हो जानी चाहिए थी, होनी थी। शैल बी डीम टू हैव काउज्ड हिज डेथ, यहाँ पर ए सामने वाले व्यक्ति का वह मृत्यु कायम किया हुआ माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर वह होमिसाइड का दोषी माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन टू, वेयर डेथ इज काउज्ड बाय बॉडली इंजुरी, द पर्सन हु काउजेज सच बॉडली इंजुरी शैल बी डीम टू हैव काउज्ड द डेथ ऑल्दो बाय रिस्टोरिंग टू प्रॉपर रेमेडीज एंड स्किलफुल ट्रीटमेंट द डेथ माइट हैव बीन प्रिवेंटेड। जहाँ यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ जब डेथ इज काउज किया जाएगा बॉडली इंजुरी से, तो द पर्सन हु काउज सच बॉडली इंजुरी, जब यहाँ पर जब वह व्यक्ति जिसने बॉडली इंजुरी कारित किया है शैल बी डीम्ड टू हैव काउज द डेथ, माना जाएगा कि उसने मृत्यु कारित किया है। ऑल द बाय रिस्टोरिंग, हालांकि बाय रिस्टोरिंग टू प्रॉपर रेमेडीज और इलाज, प्रॉपर सुधार से और इसके कुछ इलाज से डेथ माइट है बीन, द डेथ माइट है बीन प्रिवेंटेड, कि वह मृत्यु को बचा भी जा सके, फिर वो कल्पेबल होमिसाइड का व्यक्ति दोषी माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन थ्री, यहाँ पर हम देखेंगे द काउजिंग ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर्स वोम्ब इज नॉट होमिसाइड। यहाँ पर कहा गया है कि माँ के गर्भ में बच्चे की मृत्यु कारित होने से वहाँ पर उस बच्चे का मर्डर नहीं माना जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड का अपराध नहीं माना जाएगा, मानव वध का अपराध नहीं माना जाएगा, बल्कि बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड, किंतु यह कल्पेबल होमिसाइड का अपराध माना जाएगा। टू काउज द डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड, एक व्यक्ति, एक जिंदे व्यक्ति का, जिंदे बच्चे का मर्डर माना जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। इफ एनी कल्पेबल होमिसाइड टू काउज द डेथ माना जाएगा ऑफ एक जीवित बच्चे का, इफ एनी पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड हैव बीन ब्राउट फोर्थ, अगर उस व्यक्ति, उस बच्चे का कोई भी पार्ट शरीर से, माँ के शरीर से बाहर है, दो द चाइल्ड मे नॉट हैव ब्रीथेड और इवन कम्प्लीटली बॉर्न, हालांकि वह बच्चा ना कोई एक सांस भी लिया हो और ना ही वह शरीर उसका पूरी तरह से वह जन्म लिया है, इस तरह से है कल्पेबल होमिसाइड का अपराध। थैंक यू।